हैं। हमारा डिस्काउंट जो है वो दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये लिस्टेड प्राइस पर दिया जाता है, जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है ना, या फिर एमआरपी कह सकते हैं, उस पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल होता है। ये अवेलेबल फॉर ऑल, चाहे कोई भी है, ये सभी के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहीं भी शॉपिंग करने या कुछ भी लेने जाते हैं, तो तुमने देखा होगा वो उस पर अगर डिस्काउंट दिया हुआ है कि इतना परसेंट ऑफ है इस पर, तो वो जो ऑफ हमें मिल रहा है, मतलब उसको कोई भी कस्टमर अगर परचेज करता है तो वो सभी के लिए ही ऑफ है, तो वो डिस्काउंट हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। और एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नॉर्मली कब दिया जाता है? जब हमें कस्टमर से जल्दी रिकवरी करनी हो पैसे की, तो ये तभी दिया जाएगा अगर हमने, सामने वाले बंदे ने हमें पेमेंट कर दिया है। अगर उसने हमें पेमेंट नहीं किया है, तो हम कैश डिस्काउंट वहां पर अलाउ नहीं करते हैं। तो जो हमारा ये कैश डिस्काउंट होता है ना, ये एक तरीके का हमारे लिए लॉस होता है अगर हमने इसको अलाउ किया है। अगर हमने किसी को दिया है तो ये हमारे लिए लॉस है, और अगर हमें किसी से मिला है, अगर हमें ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जैसे अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हमें भी मिलेगा, तो हमारे लिए उस केस में ये बन जाता है इनकम। अब देखो, जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों? ये किसी भी तरीके का कोई लॉस या इनकम नहीं है। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वैल्यू आती है, उस वैल्यू से हम सेल या परचेज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, अगर हमारे गुड्स का प्राइस, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने गुड्स सेल किए हैं और उन गुड्स का लिस्ट प्राइस था 20,000, उस पर हमें बताया हुआ होगा कि, उस पर मान लेते हैं हमें बताया हुआ है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, हमने गुड्स सेल किए और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है, और सामने वाले पर्सन ने हमें पेमेंट कर भी दिया है। कैश डिस्काउंट हम कब देंगे? जब हमें वो पैसा रिसीव हो जाएगा। तो देखो, कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, पहले ये समझना है। जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये हम माइनस करते हैं लिस्ट प्राइस पर। तो हम पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना था? 10%। तो 20,000 का 10% कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आएगा कितना? 2,000। देखो, इसको लेस किया तो हमारी वैल्यू आ गई 18,000। जो ये 18,000 वैल्यू है, ये हमारी होती है सेल वैल्यू। ये हमारी क्या आ गई? सेल वैल्यू। जो हमने गुड्स सेल किए हैं, हम अपनी सेल्स कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चलेंगे? 18,000 पर। तो ध्यान रखना, जब लिस्ट प्राइस में से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, तो वो जो हमारी वैल्यू आई है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, वो ही हमारी सेल वैल्यू है, उतनी ही हमारी सेल्स मानी जाएंगी। ठीक है, सेल प्राइस हमारे 20,000 नहीं है, 18,000 है यहाँ पर। अब देखो, अगर हमें सामने वाले पर्सन ने पेमेंट कर दिया है, मतलब हमें पेमेंट साथ साथ मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे कितना? 2%। तो ये कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है, ये कौन सी वैल्यू पर दिया जाता है हमारा? इस सेल वैल्यू पर। मतलब 2% ऑफ किसका कैलकुलेट किया जाएगा? 18,000। तो ये तभी मिलेगा जब हमें ये पूरा पेमेंट मिला होगा। ठीक है, तो 18,000 का हम 2% कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा ये आई थिंक 360 आएगा, कैलकुलेट करके देखोगे तो तुम लोग, तो ये हमारा बन जाता है कितना, 17,640। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाला डिस्काउंट है, ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस है। हमें जो सामने वाले पर्सन से कैश रिसीव हुआ है, वो कितना रिसीव हुआ होगा? 17,640। तो अब देखो, हम क्या एंट्री पास करेंगे। देखो, जब हमने गुड्स सेल किए थे और हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी दिया, और हमें क्या मिला है? 17,640 कैश रिसीव हुआ है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश आया है। व्हाट कम्स इन? 17,640। ये जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है कैश डिस्काउंट, ये हमारे लिए लॉस है। और लॉस के अकाउंट तुम जानते हो क्या होता है? डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? लॉसेस और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये कौन सा वाला डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। टू
सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी इनकम है। सेल्स मैंने बताया था हम कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करके चलेंगे, 18,000 से। ये जो ऊपर 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आई है, हम उसके बेस पर ये ट्रांजेक्शन करते हैं। समझ में आई ये एंट्री? कोई डाउट मैंने इसको कैसे किया है? इसी में ही मैं चार केस बनाऊंगी, इसलिए प्लीज अच्छे से समझ के चलना। ये तो मैंने किया है सेल्स की एंट्री, ये हमारी क्या है? सेल्स की एंट्री, जब हमने गुड्स सेल की है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? हाँ भाई, तीनों को कोई डाउट है यहां तक? अरे कुछ तो बोलो भाई, यस और नो, एम आई ऑडिबल? कृतिका, मोहित, सानवी, नहीं मैम कोई डाउट नहीं। ओके, देखो अगर मैं यही, ये तो मैंने यहां पर क्या बोला कि ये हमारा सेल था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मान लेती हूँ कि ये मेरी परचेज की एंट्री है, ये मेरी क्या है? परचेज की ट्रांजेक्शन है, कि हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं जिनका लिस्ट प्राइस था 20, ट्रेड डिस्काउंट था उस पर 10%, और अब मेरे लिए ये सेल वैल्यू ना होकर ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? परचेज वैल्यू बन जाएगी। ये हमारी परचेज हो जाएंगी अगर मैंने परचेज किया है और उन गुड्स का लिस्ट प्राइस है 20, मतलब ये सेल की जगह परचेज की ट्रांजेक्शन है एक तरीके से, बाकी सारी कंडीशन हमारी सेम है। तो इस बार ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ होगा, इस बार ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ होगा क्योंकि हमने परचेज किया है, तो हम इस बार पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो हमें ये पैसा कम देना पड़ेगा, मतलब हमारी पॉकेट से 17,640 कैश पेड होगा इस बार। इस बार ये अमाउंट क्या हो जाएगा? कैश पेड। तो देखो मैं क्या एंट्री पास करूंगी ऐसे केस में। ये तो थी हमारी सेल की एंट्री, और अगर मैं परचेज की एंट्री पास करती हूँ तो क्या बनेगी हमारी? देखो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 18,000 से। टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश पे किया है, व्हाट गोज आउट वो हमारा क्रेडिट होता है। और जो ये डिस्काउंट है इस बार, ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम बन जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। समझ रहे हो? इस बार ये हमारे लिए डिस्काउंट बन गई इनकम, तो इस बार ये डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम के अकाउंट होते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर ये बन जाती है हमारी परचेज की ट्रांजेक्शन। समझ में आया? सेल परचेज की ट्रांजेक्शन मैंने डिस्काउंट के केस में कैसे की है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ही ना थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ इसी क्वेश्चन को। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर हमारे जो गुड्स थे उनका लिस्ट प्राइस था कितना? उनका लिस्ट प्राइस था 20,000। ठीक है, और यहाँ पर हमने ट्रेड डिस्काउंट देखा तो वो ट्रेड डिस्काउंट था 10%, तो वो हो गया हमारा 2,000। तो ये प्राइस आया हमारा 18,000। मान लेते हैं ये सेल वाली ट्रांजेक्शन है, फिर से मैं इसको सेल का मानकर चल रही हूँ। अब इस बार देखो क्या हुआ है, हमें कस्टमर ने 40% पेमेंट किया है। कस्टमर ने कितना पेमेंट किया है? कस्टमर पेड 40% अमाउंट। कस्टमर ने हमें कितना पेमेंट किया है? 40% पेमेंट किया है। तो जब कस्टमर हमें पूरा पेमेंट नहीं करता ना, तो हम कैश डिस्काउंट पूरी वैल्यू पर कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। हम उतनी वैल्यू पर कैश डिस्काउंट देंगे जितना हमें उसने पेमेंट किया है। तो पहले मैं क्या करूंगी, इस सेल वैल्यू को बाइफरकेट कर लूंगी, इसको 40% और बाकी का 60% मैं अलग अलग कर लूंगी, क्योंकि ये 40% तो हो गई मेरे लिए कैश सेल्स और ये 60% हो गई हमारे लिए क्रेडिट सेल्स। ठीक है, मान लेते हैं कस्टमर का नाम था राम, तो राम ने हमें पेमेंट किया है 40%, तो पहले मैं 18,000 को बाइफरकेट कर लेती हूँ, 40% अलग और 60% अलग। ये हो गई मेरे लिए कैश सेल्स और ये हमारी हो गई क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्योंकि हम जो कैश डिस्काउंट देंगे वो कैश सेल्स पर ही देंगे, या फिर या तो पैसा, मतलब हमें पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो कैश में मिला है चाहे वो हमें चेक से मिला है।
18,000 का 40% देख लेते हैं कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 7,200 आएगा, और बाकी का जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 10,800, 60% हो गया, ये हमारी क्रेडिट सेल्स हो गई, ठीक है। अब जब मैं कैश डिस्काउंट निकालूंगी यहाँ पर, जो हमारा कैश डिस्काउंट होगा 2%, वो कौन सी वैल्यू का होगा, ऑफ 7,200, कौन सी वैल्यू का होगा ये कैश डिस्काउंट, 7,200 का, ठीक है, मतलब कि जो हमारी कैश सेल्स थी। तो मैं 7,200 का 2% कैलकुलेट करती हूँ, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 2 × 4, 2 × 7 = 14, 144। तो यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट लेस करके वैल्यू आई है वो कितनी आई है मेरी, सेवन। इसका मतलब जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 7,056, और ये हमारी थी क्रेडिट सेल। तो कहने का मतलब ये हुआ है, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो उतनी वैल्यू पर मिलता है जितना हमें उसने सामने वाले बंदे ने पेमेंट किया है, जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो पूरे लिस्ट प्राइस पर हमें मिलता है, समझ रहे हो। मतलब हमें ट्रेड डिस्काउंट से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट को हटाकर उसको लेस करके जो हमारी वैल्यू आई है हम उतना रिकॉर्ड करके चलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एंट्री पास करूंगी तो बताओ कैसे एंट्री पास करूंगी, इस बार मेरी क्या जर्नल एंट्री होगी सेल की, कोई ट्राई करेगा, यहाँ पर थोड़ी सी क्रेडिट सेल्स भी है, कोई ट्राई करेगा इसको, देखो जो हमारी सेल्स है हमें पता है सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स अकाउंट तो मेरा क्रेडिट ही होना है, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होना ही है, बात ये है कि इसके बदले में डेबिट क्या क्या होना है। सेल्स हमारा पूरा 18,000 से क्रेडिट होगा, ठीक है, जो मेरी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके वैल्यू आई है। अब देखो जो मुझे कैश रिसीव हुआ है उसके लिए मैं क्या करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट कर लूंगी जितना भी हमें कैश रिसीव हुआ है 7,056। जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है ये हमारे लिए लॉस है, तो ये डिस्काउंट अलाउ भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 144। और जो ये हमारी क्रेडिट सेल है 10,800 की, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कस्टमर है उसको डेबिट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी क्रेडिट सेल थी 10,800। बस क्या चेंज आया है, इस बार हमारा कस्टमर का अकाउंट भी आ गया क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रेडिट सेल्स थी। जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा केस बनता है कब, जब हमारा कुछ क्रेडिट सेल है कुछ कैश सेल है और यहाँ पर हमारा कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो अगर तुम्हें ये ट्रांजेक्शन समझ में आती है तो तुम्हें काफी कुछ समझ में आ गया है, ये समझ लेना। अगर मैं इसी को ही परचेज की एंट्री बनाकर पास करूं, मतलब ये मेरे लिए अगर सेल की जगह परचेज होती है तो मैं क्या करूंगी, अगर ये हमारे लिए परचेज है तो ये मेरी हो जाएंगी कैश परचेज, ये हो जाएंगी मेरी क्रेडिट परचेज, तो इस बार मेरी क्या एंट्री पास होगी बता सकते हो मुझे, परचेज की एंट्री तुम लोग बताओ, चलो कौन बताने वाला है, सान भी ट्राई करोगे परचेज की एंट्री, अगर ये मेरे लिए कैश परचेज मतलब सेल्स ना होकर ये हमारे लिए अगर परचेज हैं तो। मैम परचेज अकाउंट टू राम्स अकाउंट और टू डिस्काउंट परचेज, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, जो हमारी क्रेडिट परचेज है वो तो राम के अकाउंट में चली जाएंगी, वो 10,800 है, ठीक है। जो हमने कैश पे किया है उसके लिए हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इस बार कैश आउट हुआ है, तो वो हमारा है कितना 7,056, और जो हमने डिस्काउंट रिसीव किया है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 144। क्लियर है, आई थिंक अब तो मेरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम डिस्काउंट की एंट्रीज पास करते हैं। यस मैम, गॉट इट। अभी भी अगर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे आगे, आगे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, वैसे हमने लास्ट क्लास में आई थिंक 16 तक के क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने बोला था कि आगे के क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करके देखना, बट तुम लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो तुम लोग कर नहीं पाए होंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17, वो पूरा इसी चीज के ऊपर है। ये जो मैंने डिस्काउंट का कंसेप्ट समझाया है ना अभी, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, तुम्हें अच्छा लगेगा करने में। इस क्वेश्चन में हमारा पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार खुद से कोशिश करो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। 5 to 10 मिनट्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17 तीनों लोग ट्राई करो। कृतिका, मोहित, समझ में आया है ना? ट्राई करोगे? कृतिका, मोहित, एम आई ऑडिबल? तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यस हो मैम, मैम। कर रहा हूँ, ट्राई ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, टाइम लो अपना जितना तुम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ट्राई करो, जल्दी से जल्दी करो। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। देखो 17 का फर्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ था परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। क्या एंट्री हुई है इसकी? कृतिका, चलो स्टार्ट करते हैं तुमसे। कृतिका का कुछ नेटवर्क इश्यू है क्या? सानवी, चलो तुम बताओ। सॉरी मैम, आवाज कम थी इसलिए मैंने वो किया था एग्जिट। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, तुमसे ही स्टार्ट करते हैं। बोलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या जर्नल एंट्री हुई है हमारी? गुड्स परचेज किए हैं हमने विशाल से और इन पर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है। मैम परचेज अकाउंट क्रेडिट और विशाल अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमारा, परचेज इज एक्सपेंस फॉर अस, तो परचेज हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा मोस्टली, मतलब जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो हम क्या ओके, एंट्री पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट एंड विशाल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो विशाल को क्रेडिट हम जब करते अगर ये हमारा क्रेडिट परचेज होता, बट यहाँ पर तो लिखा हुआ है अगेंस्ट चेक पेमेंट, उसने हमें चेक से पेमेंट कर दिया है, तो मैं यहाँ पर, ठीक तो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट। है, तो हम क्या कर देंगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट कर दिया है। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर? ट्वेंटी थाउजेंड हमारा लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस कितना था? 20, और इस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो हम यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। 20% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 20,000 का 20% कैलकुलेट करोगे तो 4,000 आएगा। तो सिक्सटीन थाउजेंड तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 16,000। बस यही हमारा क्वेश्चन खत्म है, आगे कुछ है ही नहीं, आगे हमसे कोई जिक्र ही नहीं किया कैश डिस्काउंट के बारे में, तो ये सिंपल एंट्रीज बन गई हमारी। ठीक है, यस मैम। इन्होंने क्वेश्चंस इस हिसाब से दिए हैं कि पहले इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों। नेक्स्ट हमारा मोहित, नेक्स्ट बताओ जल्दी। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। सेम ही है लगभग, मोहित यार तुम लोग ना पार्टिसिपेट किया करो प्रॉपर, तभी समझ में आएगा। देखो सानवी का क्या हुआ?
वहां पर भी कुछ ये वेदर की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, या लाइट का कुछ ऐसा इश्यू है क्या? आजकल थोड़ा ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम मैम है। अच्छा, यहाँ पे तो ठीक है। मोहित यार तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्यों अनम्यूट नहीं करते खुद को? वीडियो ऑन करो अपनी। मोहित लास्ट क्लास में भी यही हो रहा था और अभी भी यही हो रहा है। मैम एक्चुअली कॉल आ गया था, वो पापा का कॉल आ गया था। चलो तो बताओ, चलो सेकंड बताओ, सेकंड में क्या होगा? मैं हाँ बोलो। रैंडमली लीव हो गई थी। कोई नहीं, सेकंड मोहित तुम बताओ, सेकंड तुम्हारे से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। बिल्कुल सिंपल है भाई, सेम ही तो है, फर्स्ट जैसी है सेम। इतना क्या सोचना पड़ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सानवी चलो तुम्हारा टर्न है, तुम बताओ। सानवी लिस्ट प्राइस है 20,000, ठीक है, और इस पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट है कितना? 15%। तो हम 15% कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 का तो आ जाएगा 3,000। 3,000 लेस किया तो हमारा आ गया 17,000। बस क्वेश्चन हमारा यही खत्म है। उस पर लिखा है कि हमने कैश में परचेज किया है, तो परचेज की क्या एंट्री होती है हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर क्योंकि कैश डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं कर रखी है तो बिल्कुल हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, थर्ड कौन बताने वाला है? परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% रेट डिस्काउंट। सानवी ट्राई करोगे? थर्ड बोलो। वाला पॉइंट राइट, हाँ थर्ड, तो हो गया 6,000 कम हो जाएगा ना अकाउंट से, तो परचेज अकाउंट में बैठेगा, एक सेकंड मैम, 24,000 परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू अमृत अकाउंट। टू अमृत्स अकाउंट, क्योंकि इस बार हमारा क्रेडिट परचेज है, हमें कुछ नहीं बताया हुआ और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये हमारी हो जाएगी क्रेडिट परचेज। तो सिंपल हम अमृत के अकाउंट में डाल देंगे 24,000। ठीक है, 24,000 कैसे आया है? ये लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो मैंने बताया हम परचेज या सेल कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, जब हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखो स्टार्टिंग की 4 ट्रांजेक्शन परचेज के ऊपर ही है और सिंपल हमने ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर रुपीज 35,000 अगेंस्ट कैश। 40,000 का हमारा लिस्ट प्राइस था और हमने वो 35,000 में परचेज किया है कैश में, तो हम क्या मानकर चलेंगे इसको? क्या एज्यूम किया है तुमने यहाँ पर इसको? ट्रेड डिस्काउंट एज्यूम किया होगा या फिर कैश डिस्काउंट, क्या एज्यूम किया है? क्या होना चाहिए भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ।
देखो जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ होता कि वो जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि 40,000 के गुड्स थे और हमने 35,000 में परचेज किए, और हमें ये नहीं बताया कि ये हमारा कैश डिस्काउंट था या ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमारा क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा इस चीज को लेकर, तो हम उसको क्या मानकर चलेंगे? हमेशा कैश डिस्काउंट मानकर चलेंगे. क्या मानकर चलेंगे? कैश डिस्काउंट. ठीक है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर? जैसे हमारे जो गुड्स थे उनका लिस्ट प्राइस था कितना? 40,000, और बोल दिया है कि ये गुड्स हमने 35,000 में परचेज किए हैं, वो भी कैश में. तो ठीक है, हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों में 5,000 का, हमें क्वेश्चन में बताया नहीं है ये ट्रेड डिस्काउंट था या कैश डिस्काउंट था, तो हम इसको मानकर चलेंगे यहाँ पर कैश डिस्काउंट. अब देखो हमने गुड्स परचेज किए हैं, और हमने परचेज किए हैं तो ये जो डिस्काउंट है हमारे लिए इस बार डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा. तो अगर ये डिस्काउंट रिसीव है तो हमारे लिए इनकम बन जाएगी. तो हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर? देखो, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000. अब तुम यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ लिस्ट प्राइस से क्यों किया है? लिस्ट प्राइस से इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा कैश डिस्काउंट है, ना कि ट्रेड डिस्काउंट. अगर होता 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट तो हम इसको 35,000 से रिकॉर्ड करते, लेकिन यहाँ पर कैश डिस्काउंट है तो इसलिए ये प्राइस हमारे लिए लिस्ट प्राइस ही हमारे लिए परचेज वैल्यू बन जाएगी. टू कैश अकाउंट, हमने कैश पेमेंट किया है, कैश हमारे पास से आउट हुआ है, तो इसको हम देखेंगे कितना? 35,000. टू जो डिस्काउंट है 5,000 का, वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम बन गई. कोई डाउट फोर्थ एंट्री में? क्लियर है ना? अब देखो जो ये नेक्स्ट वाली एंट्री, हाँ हाँ, जो ये फिफ्थ है, फिफ्थ में देखो ये हमारी फोर्थ से ही लिंक है. जो ये पार्टी थी अमृत, अमृत से हमने परचेज किए थे, नहीं सॉरी, अमृत से ऊपर हमने कहीं परचेज किया है क्या? अमृत था ना थर्ड पॉइंट में. देखो लिखा हुआ है, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न. देखो हमने थर्ड वाली जो ट्रांजेक्शन थी ये, इसमें हमने अमृत से गुड्स परचेज किए थे, ये थर्ड ट्रांजेक्शन जो थी, इसमें जो हमारा लिस्ट प्राइस था वो कितना था? 30,000 था. 30,000 हमारा यहाँ पर लिस्ट प्राइस था, और हमारा यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट था कितना? 20%. तो हमने देखा था 20% 30,000 का आया था 6,000, तो 6,000 लेस करने के बाद जो वैल्यू आई थी हमने उतनी वैल्यू से रिकॉर्ड किया था परचेज को. अब देखो इसमें से हमने 10,000 के गुड्स वापस किए हैं, तो जो ये हमारी परचेज रिटर्न होंगी, तो देखो पहले तो मैं एंट्री लिख देती हूँ, जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी परचेज रिटर्न की, क्योंकि ये जो पार्टी है ये हमारी डेबिट हो जाएगी, अमृत का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज का अपोजिट हो गया सिंपल. तो हम क्या कर देंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, और पार्टी को हम डेबिट कर देंगे. इस एंट्री का जस्ट रिवर्सल है. बात यह है यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी. अब जो यहाँ पर वैल्यू हमें दी हुई है ना, ये 10,000 ये लिस्ट प्राइस है, तो मुझे ये बताओ जो हमने थर्ड ट्रांजेक्शन की थी, क्या उसमें हमने लिस्ट प्राइस से रिकॉर्ड किया था या उस पर डिस्काउंट लेस करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया था? देखो इन गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000. तो देखो जब हमने 30,000 पर डिस्काउंट कैलकुलेट किया था 20%, तो यहाँ पर भी तो मुझे 20% ट्रेड डिस्काउंट अपने आप से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वही गुड्स तो वापस कर रहे हैं जो हमने ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदे थे. तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी? 10,000 का 20% कैलकुलेट करूंगी, ये हमारा कितना आ जाएगा? 2,000. मीन्स जो मैं गुड्स वापस करूंगी, तो वापस करने की जर्नल एंट्री भी कितने से करूंगी? लिस्ट प्राइस में से, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद. ये ट्रेड डिस्काउंट हमें इस ट्रांजेक्शन में बताया नहीं है, ये हमें ऊपर वाली थर्ड वाली ट्रांजेक्शन से पता चला कि इन वाले गुड्स पर जो ट्रेड डिस्काउंट था वो 20% था. समझ में आया ये फिफ्थ वाली एंट्री कैसे हुई है? इस क्वेश्चन में हमें ट्रांजेक्शन में हमें बताया नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ये हमें थर्ड वाली ट्रांजेक्शन से पता चला कि जो अमृत से हमने गुड्स परचेज किए थे वो 20% ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज किए थे, इसलिए हम रिटर्न करेंगे तो तब भी जो वैल्यू लिखेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाली वैल्यू लिखेंगे. क्लियर है? तो ये अच्छा पॉइंट था यहाँ पर. सिक्स्थ वाली ट्रांजेक्शन बताओ. अब सिक्स्थ से हमारे सेल्स की स्टार्ट हो गई है, हमारी सारी परचेज की थी,
अब सिक्स से हमारी सेल्स की एंट्री स्टार्ट हो गई है, तो कंसेप्ट सेम है, बस यहाँ पर हमारी सेल्स हो गई है। तो मुझे बता, कौन बताने वाला है, जल्दी से बताओ। सिक्स वाली बताओ, कौन बताएगा? कृतिका, सिक्स सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% रेट डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। इस बार हमने गुड्स सेल की है तो सेल की एंट्री बतानी है, 10% रेट डिस्काउंट है और चेक पेमेंट हुई है, चेक से हमें पैसा रिसीव हुआ है। बोलो मैम, सेल्स अकाउंट डेबिट। परचेज और सेल्स ध्यान रखो, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो परचेज हमारा डेबिट होता है, सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स हमारा क्रेडिट। मैम बट लाइक ये तो मैं सोचा था, बट फिर हमने चेक से हमें अमाउंट रिसीव हुआ तो वो भी तो इनकम हुआ ना, तो उसको भी तो क्रेडिट करना होगा। उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ना, जो हमारे पास चेक आया है उसके लिए बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया हमारा, तो हमारा क्या डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि वो वाला रूल लगा है कि डेबिट द रिसीवर। हाँ, डेबिट द रिसीवर, एक तरीके से बैंक यहाँ पर रिसीवर है तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है तो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, हम कौन सा अकाउंट डेबिट कर देते हैं? बैंक बैलेंस। या फिर सिंपल तुम ये सोचकर भी चल सकते हो, बैंक अगर हमारा इंक्रीज होता है, मतलब हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, एसेट्स हमारे डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो। अब मैंने वो लॉजिक लगाया था कि इनकम इंक्रीज हो गई तो इनकम का अकाउंट यहाँ पर हमारा सेल्स है तो हम यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो तुम लोग ना ऐसे मत सोचा करो कि जब हमने गुड्स सेल किए तो जो पैसा आया वो हमारी इनकम है। वो हमारी इनकम तो है, लेकिन मैं इनकम को बैंक के नाम से थोड़ी ना दिखाऊंगी। इनकम का अकाउंट मेरे लिए क्या है? इनकम तो मेरे लिए सेल्स है ना, मैं अपनी बुक्स में सेल्स शो करूंगी ना इनकम तो, या मैं बैंक थोड़ी ना अपनी इनकम शो करूंगी। समझ रहे हो भाई? बैंक में तो मेरे पास पैसा सेल्स करके भी आया होगा, मैंने किसी से उधार में लिया है तो वो भी आया होगा। समझ रहे हो? तो बैंक मेरी इनकम नहीं है, इनकम मेरी सेल्स है। बैंक बैलेंस तो मेरा इंक्रीज हुआ है इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया है। जो मैं अपनी इनकम शो करूंगी वो मैं इनकम के अकाउंट के नाम से ही शो करूंगी। ऐसे ही जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम एक्सपेंस के अकाउंट से ही डेबिट करते हैं, उसके नाम से डेबिट करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 में से हम 10% लेस कर देंगे तो 40 का 10% कैलकुलेट करोगे तो 4,000 होगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? 36,000। और एक चीज और, ये कैलकुलेशन तुम्हें करके दिखानी है एग्जाम में। लिस्ट प्राइस है 40, ऐसे करके ना यहाँ पर करके दिखाना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, तो ये हो गया हमारा 4,000। ठीक है, तो लेस करके जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारी आ गई सेल वैल्यू। इस तरीके से करके दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, कौन बताएगा? मोहित। मोहित तो क्लास से आउट ही हो जाता है। नहीं मैम, हूँ मैं। तो बोलते क्यों नहीं हो? मैं इतनी बार पूछती हूँ, तुम कहाँ चले जाते हो? बोला करो ना, बोलो। सेवेंथ वाली बताओ। सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% रेट डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। बिल्कुल सिंपल है, इस बार हमने कैश में गुड्स सेल किए हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट, अभी मैंने बताया सेल्स अकाउंट क्या होता है। सॉरी मैम, क्रेडिट। ध्यान से सोच समझ के बोलो, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा इस बार? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स कैश में सेल किए हैं, कैश हमारे पास आया है। व्हाट कम्स इन, कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। वैल्यू बताओ कितनी आएगी? वैल्यू वैल्यू 30,000 है, 30,000 में से 10% लेस कर दो तो 3,000 लेस हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 27,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसको लिख के भी दिखाना है। एट्थ कृतिका, ओ सॉरी सानवी। सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
सानवी सानवी कुछ नेटवर्क इशू है क्या है? हमने पवन को गुड्स सेल किए हैं 20,000 के और 10% इस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो सिंपल है हमारा यहाँ पर। इस बार कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? पवन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि इस बार हमारी क्रेडिट में सेल है। तो हम क्या करते हैं, पार्टी को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, समझ रहे हो? यहाँ पर रिसीवर का नाम आएगा क्योंकि उसने हमें कैश या बैंक बैलेंस, मतलब बैंक या कैश से पेमेंट नहीं किया है। जैसे ऊपर वाली दोनों में, एक में हम उसने हमें चेक दे दिया था, एक बंदे ने हमें कैश दे दिया था, तो हमने बैंक और कैश अकाउंट डेबिट किए थे। जब हमारी क्रेडिट में सेल होती है तो हम क्या करेंगे, पार्टी को डेबिट कर देंगे। सेल्स हमारा एज इट इज क्रेडिट ही होगा क्योंकि ये हमारी इनकम है, इनकम के अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो 20,000 का 10% लेस करोगे तो 2,000 लेस हो जाएगा, बचेगा 18,000। तो हम यहाँ पर 18,000 से एंट्री करेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में सिंपल ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। 9th वाली में देखो क्या है, फिर से ऐसे ही आई है जैसे हमारी परचेज में भी थी। सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर रुपीज 23,000। तो यहाँ पर हमें नहीं बताया कि ये कैश डिस्काउंट था या ट्रेड डिस्काउंट था। तो मैंने अभी ऊपर भी बताया, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है डिस्काउंट को लेकर कि 25,000 के गुड्स 23,000 में परचेज किए हैं, तो ये जो 2,000 का डिफरेंस है ये हमारे लिए यहाँ पर कैश डिस्काउंट होगा। तो इस बार देखो हमने यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू यामिनी और 25,000 की गुड्स 23 में हमने सेल किए हैं, तो वैसे तो हमें बताया नहीं है कि हमने कैश में सेल किए हैं या नहीं, लेकिन अगर हमें ये बता दिया कि हमने 25 के 23 में सेल किए हैं, तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि उसने हमें कैश दे दिया होगा जब भी हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट 23,000 क्योंकि हमारे हमने गुड्स सेल किए हैं, गुड्स सेल किए हैं तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्योंकि ये इस बार हमारे लिए कैश डिस्काउंट है, तो इसलिए हमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया है टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी कितने से क्रेडिट होंगी, पूरा 25,000 से, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, देखो 10th वाली ट्रांजेक्शन थोड़ी अच्छी है, ध्यान से देखना। सुन रहे हो तुम लोग सब? 10th वाली ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000। इस बार देखो मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी, जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ होता है तो उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ता है, उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, इस बार हमें कॉस्ट प्राइस बताया हुआ है। कॉस्ट कितना है, जो हमने गुड्स सेल किए हैं उनका कॉस्ट प्राइस है 10,000, उस पर लिखा हुआ है प्लस 20%। ये जो प्लस किया होगा ना 20%, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन, ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। तो देखो कॉस्ट में हम अपना कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे ही, तो 10,000 का हमने 20% किया तो ये हमारा आ जाएगा 2,000। तो इस बार हमें लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ा। अभी तक के सभी क्वेश्चंस में हमें लिस्ट प्राइस दिया हुआ था, इस बार हमने 10,000 में 2,000 ऐड करके जो वैल्यू आई है ये हमारी आई है लिस्ट प्राइस। अब देखो इस पर लिखा हुआ है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम यहां से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जो होगा वो 10% कौन सी वाली वैल्यू का होगा, ऑफ 12,000 लिस्ट प्राइस का। ठीक है, तो 10,000 हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ 12,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1,200। 12,000 में से 1,200 लेस किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 10,800, ये हमारी आ गई सेल वैल्यू। समझ में आई ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की? इस बार हमें पहले लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ा कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री हम क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। हमने कैश में सेल किया है या नहीं, कैश में सेल नहीं किया, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर भूपेश को डेबिट करूंगी, भूपेश अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था जो हमारी सेल वैल्यू होगी उतने से हम इसको कर लेंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सिंपल एंट्री हो गई भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800। क्वेश्चन
कोई डाउट है इस एंट्री में तो बताना प्लीज, इसको नोट कर लेना, इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखानी है। लास्ट वाली हम देखते हैं। देखो ये जो हमने क्वेश्चन किए है ना, घर पे इसको दोबारा चेक करना, खुद से करके भी देखना, क्योंकि इसमें मोस्टली मुझे ही बतानी पड़ रही है। देखो लिखा हुआ है, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% रेट डिस्काउंट। देखो हमने अमन को जो गुड्स सेल किए थे ना, वो हमने ट्रांजेक्शन नंबर 7th में किए थे। लिखा हुआ था सोल्ड गुड्स टू अमन, और उसने देखो हमें कैश दिया था इस बार, उसने हमें कैश दिया था। तो देखो जब वो हमें गुड्स वापस करेगा तो हमें उसका कैश भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जैसे सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स को जब हम रिटर्न करेंगे तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस बार मैं अमन को क्रेडिट नहीं करूंगी, कैश क्रेडिट करूंगी, क्योंकि अमन ने हमें कैश दिया था। जब हमने अमन को सेल्स किया था तो हमने कैश अकाउंट डेबिट किया था, और जब वो हमें सेल्स रिटर्न कर देगा तो हम उसका कैश वापस कर देंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 10,000 पर हमें 10% लेस करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस है 10,000, इस पर हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10% का, तो हम ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर से लेस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1,000, तो ये कितना आ गया हमारा 9,000, तो ये एंट्री हमारी कितने से हो जाएगी, 9,000 से हो जाएगी। देखो आज की पूरी क्लास ना डिस्काउंट के ऊपर ही है, और आई थिंक तुम्हें ये कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। सानवी, तुमने आते ही पहले डिस्काउंट का पूछा था, कुछ क्लियर हुआ आज? हाँ मैम, मुझे क्लियर हो गया। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूरा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया था, लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमारे मोस्टली कैश डिस्काउंट के बारे में। जब हमारा सेटलमेंट होता है ना किसी से, और हम कम अमाउंट देकर उसको सेटल कर देते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है, जितना हम कम पे करते हैं या फिर कम रिसीव करते हैं, वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है ना किसी क्वेश्चन में, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए स्पेशली वर्ड मेंशन होता है ट्रेड डिस्काउंट। उसके अलावा अगर डिस्काउंट ऐसे ही लिखा है, तो वो हमारा एज्यूम कर लेना कि वो कैश डिस्काउंट ही है। और अगर कैश डिस्काउंट हमने दिया है किसी को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाता है, और अगर हमें किसी से रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। ओके मैम। अब देखो जो हमारा ये 18 क्वेश्चन है ना, देखो मुझे पता है तुम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, या तो तुम लोगों को इसलिए भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, मतलब तुम थोड़ा लेट इसमें इसलिए भी हो रहे हो क्योंकि तुम घर पर कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही करूंगी कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 18 के लिए तुम बस 15 मिनट्स निकाल लेना। तुम अगर 15 मिनट्स भी दे दोगे ना, तो भी तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करके देखोगे। अगर मैं ही कराती रहूंगी ना, तो तुम्हारे लिए वो ऐसा लगेगा कि बस मैम करा रही है, सिंपल लगने लगेगा, लेकिन वो अभी तुम्हें आ नहीं रहा है जब तक तुम उसको खुद से नहीं कर लेते। तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज एक बार, चाहे 4, 5, 6 कितनी भी ट्रांजेक्शन तुम कर पाते हो, एटलीस्ट 15 मिनट्स निकालने की कोशिश करना। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगी इसको, पहले तुम ही ट्राई करना। ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी एंड करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।